बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक फ्लाईओवर का शुभारंभ किया। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से विधानसभा एवं हार्डिंग रोड के रास्ते बीरचंद पटेल पथ और इनकम टैक्स होते हुए डाक बंगला जाने वाले लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर के आर ब्लॉक गोलंबर पर बने एलिवेटेड रोटरी में नेटवर्क ऑफ फ्लाईओवर नक्शे के अवलोकन के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि आर ब्लॉक दीघा पथ को भी जीपीओ के पास इस फ्लाईओवर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे गंगा पथ और दीघा पुल से आवागमन का सीधा जुड़ाव हो जाएगा और उत्तर बिहार के लोगों को भी यहां आने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने आर ब्लॉक फ्लाईओवर को एलिवेटेड पथ के माध्यम से 4 लेन आर ब्लॉक दीघा पथ को जोड़ने का निर्देश दिया। इससे पटना रेलवे स्टेशन से जेपी सेतु तक का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने करबिगैया एलिवेटेड रोटरी का भी निरीक्षण किया और उससे जुड़ने वाले निर्माणाधीन पुलों एवं मार्गों से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जानकारी दी गई कि इस गोलंबर के एक छोर से चिड़ियाटाल पुल होते हुए कंकड़बाग फ्लाईओवर भी कनेक्ट होगा। चिड़ियाटाल पुल के दक्षिणी छोर से यह कनेक्ट होगा, जिससे मीठापुर करबिगैया और कंकड़बाग फ्लाईओवर सीधे जुड़ जाएंगे। गोलंबर के दूसरी तरफ पुल के निर्माण से पुनपुन होते हुए महोली तक का आवागमन आसान होगा। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फ्लाईओवर के आधिकारिक निर्माण से पटना के लोगों को आवागमन में सहूलियत तो होगी ही, साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों से पटना आने वाले लोगों को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, उद्योग मंत्री श्याम रजक, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, विधान पार्षद नवल किशोर यादव, विधायक संजीव चौरसिया, विधायक नितिन नवीन, अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण अमृत लाल मीणा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव, आयुक्त पटना प्रमंडल संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बिहार नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।